अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा कंप्यूटर पार्ट टू का लेक्चर नंबर 14 है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने जब हम लॉजिकल डिज़ाइन पढ़ रहे थे उसमें हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया और इंटीग्रिटी को डिस्कस किया। और उस लेक्चर में हमने मैंने बताया था कि हम इसका एक पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्क्राइब होंगी। ठीक है, तो ये वही चैप्टर है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें डाटा इंटीग्रिटी का तो इतना ज़्यादा नहीं बताया गया लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक इन डिटेल डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसका फर्स्ट टॉपिक है डाटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है बेटा? डेटा इंटीग्रिटी मींस द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, लास्ट टाइम भी काफी दफा ही टॉपिक रिपीट हो चुका है, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। कि डेटा जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई खराबी ना हो, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मींस के जो आपका डाटा है वो अगर एक जगह पे एक तरह से है तो दूसरी जगह पे भी वही वैसा ही हो। ऐसा नहीं कि एक टेबल में डाटा कुछ और से है, दूसरी जगह पे डाटा कुछ और से है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाज, एक जगह पे रुका रहता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ मिजाज है कभी कुछ मिजाज है, कभी डाटा स्टूडेंट का नेम कुछ हो गया दूसरे टेबल में गए तो वहाँ नेम चेंज हो गया। ठीक है, एक जगह पे आपने नेम ठीक किया दूसरी जगह पे नेम ठीक हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब डाटा सही तरह से लिंक नहीं है, डाटा सही तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक से अक्सर मिसाल देता होता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बच्चों को समझ आ जाती है। मैं ज़्यादातर टीचर्स और आपकी बुक्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल आप देखें तो एम्प्लॉयज की हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एम्प्लॉयज़ की एग्जाम्पल्स दूँगा तो वो समझना थोड़ी सी टफ हो जाएगी। इसीलिए मैं ज़्यादा उस सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, और वो है आपके स्कूल का सिस्टम, आपके कॉलेज का सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर टीचर के पास अगर रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड है आपके अकाउंट ऑफिस में एडमिन के पास रिकॉर्ड है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड टीचर के पास हो वही रिकॉर्ड एडमिन के पास हो, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और जो रिकॉर्ड रियल में है वही हो, दैट इज कॉल्ड करेक्टनेस। कि बच्चे के मार्क्स अगर 5 हैं तो 5 ही लगने चाहिए, गलत नहीं लगने चाहिए। और बच्चे के मार्क्स अगर 5 लगे हैं टीचर के पास तो एडमिन के पास भी 5 होने चाहिए, ये ना कि वहाँ 15 हुए हों। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम इस चीज़ों को किस तरह से इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस को। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही डिस्कस हुए हैं अभी। ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दो टाइप्स की बताई हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी बेटा क्या चीज है कि आपके पास जिस तरह से इसको मिसाल से समझाते हैं ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। लेट्स ए स्टूडेंट की आईडी है, उसका नेम है और मार्क्स, एक टेबल हमने बनाया जिसमें आईडी उसकी 1 है, उसकी 2 आईडी है, 3 आईडी है, 4 आईडी है, नेम उसका अली रख लेते हैं, छोटे छोटे नाम जैन रख लेते हैं, साद रख लेते हैं। ठीक है, और मार्क्स उसके 15 है, 20 है, 19 है। ठीक है, इसको हम लेते हैं। तो इसमें आपको पता है कि एक जो आपकी प्राइमरी की होती है वही असल में आपकी एंटिटी भी होती है जिसकी बेस के ऊपर सारा टेबल चल रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, नेम किस पर डिपेंड कर रहा है तो रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, मार्क्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं तो रोल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर क्या है, एज अ प्राइमरी की का रोल अदा कर रहा है। तो हमने बोला था लास्ट टाइम भी कि प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो एंटिटी इंटीग्रिटी ऐसी किस्म की कंस्ट्रेंट्स डिवेलप करती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी की है वो नल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ,
ये तो मेरे टेबल ही खराब हो गए। और ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, इसको आपके सॉफ्टवेयर को, आपके डेटाबेस को ये चीज अलाउ ही नहीं करनी चाहिए कि यहां पर मैं प्राइमरी की को एम्प्टी छोड़ दूं। प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, ठीक है, प्राइमरी की में मस्ट बी वैल्यू होनी चाहिए। अगर से इन में को छोड़ता हूं तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये चीज है, ये एम्प्टी किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? प्राइमरी की आप किसी भी सूरत में एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये है आपकी एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। जो नंबर वन पॉइंट हमने पढ़ा वो क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी, आपकी जो प्राइमरी की वैल्यूज हैं वो किसी भी सूरत में नल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, लेट से हम दो टेबल बनाते हैं, यहां पर भी मैं कहता हूं आईडी और यहां कहता हूं नेम, यहां से हम पता कर लेते हैं आईडी 1 2 3 अली जैन और सात, लेट से के कुछ फोन नंबर भी यहां पर हम लिख देते हैं। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज बताती है कि जो हमारी यहां पर प्राइमरी की है नेम, ठीक है, वो यहां पर क्या जाना बन जाएगी फॉरेन की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कीज वाले टॉपिक में कि एक जगह पे जो प्राइमरी की होती है वही दूसरे टेबल में जाकर क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि जो डाटा इसमें मौजूद है वही डाटा इसमें भी मौजूद हो आईडी में। स्टूडेंट की आईडी के जो रोल नंबर यहां पे मौजूद है वो यहां पे तो आ सकते हैं, लेकिन जो यहां मौजूद नहीं है वो यहां भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। मिसाल देता हूं कि जिन बच्चों की फी पे हो गई है, जो बच्चे इनरोल हो गए हैं, जो बच्चे रजिस्टर हो गए हैं, वही बच्चे टीचर्स की जो अटेंडेंस शीट है उसमें होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों ने अभी फी पे नहीं करवाई, एडमिशन अभी नहीं करवाया, लेकिन वो क्लास में बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और उनके रोल नंबर्स भी असाइन हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डाटा प्राइमरी की में मौजूद है वही डाटा फॉरेन की में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन की हम कोई नया डाटा नहीं बनाते बल्कि प्राइमरी की ही का रेफरेंस यूज करते हैं दूसरे टेबल में। बात समझ आई? ये असल में कोई नया की नया कोई कॉलम नहीं बनाया, इधर कोई डाटा पड़ा ही नहीं हुआ सकता, ये लिंक है इसके साथ। ये वाला टेबल की जो पहला कॉलम है आईडी वाला, ये लिंक है इस आईडी के साथ, तो होना तो ये चाहिए ये परफेक्ट मैच हो इसके साथ। अगर मैं यहां पर लाता हूं 4, इसका मतलब है मैंने कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाई कि मेरी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो वायलेट हो गई है। बात समझ आ रही है कि जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी मेरी वो वायलेट हो गई है, अभी इंटीग्रिटी नहीं रही। क्यों क्यों 4 तो यहां पर है ही, वहां पर कहां से आ, ठीक है, 4 स्टूडेंट यहां पे तो मेरे पास है ही, वहां पे कहां से, या मैं 5 स्टूडेंट को रजिस्टर कर लेता हूं कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट यहां पे मेरे पास प्राइमरी की में मौजूद होगा उसी को मेरे पास यहां पर फॉरेन की में मौजूद होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट या कोई एक्स्ट्रा एंटिटी या कोई एक्स्ट्रा नंबर वहां पर नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, और इस चीज को हम बोलते हैं इंटेग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक बेटा चलेगा आगे तकरीबन इस चैप्टर के एंड तक, ठीक है। बाकी जो चैप्टर में जो पार्ट रह गया वो सारा नॉर्मलाइजेशन का ही है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा नॉर्मलाइजेशन का और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगी, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म आएगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी, ठीक है।
और इसके साथ हम कुछ डिपेंडेंसीज होंगी जिनको रिमूव करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होंगी, इस तरह से कुछ और डिपेंडेंसीज होंगी और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स साथ साथ आते जाएंगे, उनको भी हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक्स की तरतीब में थोड़ा सा फ़र्क होगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स में छोड़ भी दूंगा, कुछ टॉपिक में एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो उस पर भी आपने परेशान नहीं होना। आपने अपना सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस, उस पर फोकस करना है, बस याद करने के लिहाज से और समझने के लिहाज से जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा ही समझना है। ठीक है, समझने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि पढ़ाई मैं वो रहा हूँ जो आपके आपके समझने से मुतल्लिक है। ठीक है, अच्छा टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो हमारे बहुत ही कम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कम्प्लेक्सिटी आती है तो गलती के चांस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपकी एनोमलीज आने शुरू हो जाती हैं। एनोमलीज वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे आगे, क्या होती है, क्या आप कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो हो नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसका अलग सा टेबल ही नहीं बना होता। आपको डाटा रिमूव करते हैं, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा डाटा रिमूव हो जाता है। आपने कोई एक दो चीज़ अपडेट करनी होती है, वो आपको सारी करनी पड़ती है। ठीक है, कोई चीज़ रिमूव करनी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एनोमलीज आती हैं। अगर हम सिंपल टेबल, जिस तरह हमने पढ़ा था कि डेटाबेस में हम टेबल बनाते, तो जस्ट टेबल बनाना काम नहीं है कि टेबल बनाया सारी चीज़ें रिलेट की और रख दिया, नो। ठीक है, बहुत से ऐसे रिलेशन बन रहे होते हैं लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जब हम इस रिलेशन पे काम करेंगे, असल में ना शुरू शुरू में हम ऐसे ही काम कर रहे थे सिंपल, फिर जब काम करना शुरू किया तो फिर हमने देखा कि इसमें जब हम डाटा इंसर्ट करें तो ये प्रॉब्लम आ रही, फिर उसको रिमूव करने के लिए हमने एक नॉर्मल फॉर्म बनाई, फिर हमने देखा कि फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको रिमूव करने के लिए एक और नॉर्मल फॉर्म बनी, और ऐसे इंप्रूव करते 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 अब डेटाबेस इतनी नॉर्मल फॉर्म्स आ चुकी हैं कि जब डेटाबेस आप नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, आपका टेबल है वो इतना कॉम्प्लेक्स बन गया, उसमें इतने गुंजल आ गए हैं, उसमें इतने ज़्यादा कॉलम हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा डाटा रखना है, कौन सा डिलीट करना है। इसको रखते अनुसार वो भी उठ जाता है, उसको डिलीट करते अनुसार ये भी डिलीट हो जाता है, इसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो चीज़ें बीच में मिक्सर बन गया हुआ है, ठीक है, उन चीज़ों को हम रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके साथ टेबल्स बनाएंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे और आपको ये टॉपिक बड़ा ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपको इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी का शिकार होंगे। ठीक है, आपको जब हम टेबल्स बना के एग्जांपल्स बनाएंगे तो उन एग्जांपल्स को आपने बड़े गौर से समझना है और उन एग्जांपल्स से आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा के बुक वाली एग्जांपल्स भी करूं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी करूं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा डाटा इंटीग्रिटी का, डाटा इंटीग्रिटी का टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया और नॉर्मलाइजेशन का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।